भोपाल से आज प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। ये सौगात संपदा 2.0 की है, जिसके चलते अब जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन हो गई है। और आपको बता दें कि इसके चलते रजिस्ट्री की प्रक्रिया बेहद ही सरल और आसान होने वाली है। आपको बताएंगे कैसे ग्राफिक्स के जरिए कि ये जो संपदा 2.0 है ये काम करेगा। तो बता दें संपदा 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। रजिस्ट्री की बात करेंगे जहां पर 3 विकल्प है, तो वही बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी और 24/7 फेसलेस पंजीयन की व्यवस्था होगी। बढ़ाने के लिए हाथ से रजिस्ट्रियां होती थी, पुराने दस्तावेज देखे अपन ने, उर्दू में भी लिखे हुए दिखते हैं, वो उल्टे ढंग से लिखे हुए, उसका दुरुपयोग भी होता था स्टाम्प के पंजीयन के आधार पर। लेकिन ये 25-30-40 साल में कितना समय बदल गया। लेकिन अगर पूरा सर्वे नंबर कोई बेचेगा तो उसको कोई नामांतरण का आवेदन करने जाने की जरूरत नहीं, उसका यहीं से नामांतरण की प्रक्रिया हो जाएगी। जहां तो सालों लगते थे वहां हफ्ते 2 हफ्ते में नामांतरण हो जाता, ये इतनी बड़ी बात है। ये मध्य प्रदेश सरकार का काम है और ये सुशासन है। तो संपदा 2.0 का शुभारंभ हो चुका है, जहां रजिस्ट्री में अब 3 विकल्प होंगे। तो आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी, वही 24/7 फेसलेस पंजीयन की व्यवस्था होने वाली है। स्लॉट बुक करके आप अपना समय भी बचा पाएंगे, पहले से स्लॉट की बुकिंग कर ली जाएगी, जिसके बाद आपकी रजिस्ट्री और भी आसान हो जाएगी। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। ई रजिस्ट्री में क्या क्या लगेगा तो आपको बता दें, ई साइन और डिजिटल हस्ताक्षर से पंजीयन किए जाएंगे। वहीं डिजी लॉकर, व्हाट्सएप और ईमेल से दस्तावेज अब प्राप्त हो सकेंगे, आसान कर दिया गया है। संपत्ति की प्रक्रिया अब और भी सरल हो गई है मध्य प्रदेश में, अब गवाह की जरूरत नहीं होगी। बता दें पंजीकृत दस्तावेज ऑनलाइन ही उपलब्ध हो पाएंगे। तो मध्य प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान रचा है संपदा 2.0 योजना का शुभारंभ करके, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरे मध्य प्रदेश में आसान होने वाली और पूरे भारत देश के लिए ये एक नई योजना होगी।